अस्सलाम वालेकुम। Realme C53 स्मार्टफोन का एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग करने के बाद पेश है स्मार्टफोन का एक कैमरा रिव्यू। एक डिटेल कैमरा रिव्यू करेंगे कि ये स्मार्टफोन अपनी प्राइस में 40,000 की प्राइस में कैमरा वाइज जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। और ऑल टाइम्स टू समद मोबाइल मदीना मोबाइल जो ने ये स्मार्टफोन हमें प्रोवाइड किया है, आप डेफिनेटली ये स्मार्टफोन उसे चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस आपको मिलेगा। और मेरा रेफरेंस देंगे तो आपको कोशिश होगी कि आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं इस स्मार्टफोन के कैमरा स्पेसिफिकेशन बता दूं। इस स्मार्टफोन के रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया और जो दूसरा है वो फालतू का सेंसर है, डेप्थ सेंसर है। जबकि फ्रंट पर यह स्मार्टफोन ड्यूल ऑफ नॉच में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा अपने साथ लेके आता है। स्मार्टफोन के अगर मैं कैमरा फीचर की बात करूँ तो आप देख सकते ये स्मार्टफोन जो है आपके सामने, स्मार्टफोन का कैमरा इंटरफेस है जहाँ पर आप देख सकते कि ये स्मार्टफोन कैमरा का ऑप्शन है मौजूद है आपके सामने। फोटोज़ है, वीडियोज़ है, नाइट मोड है, पोर्ट्रेट है। और मोर ऑप्शन में जाएं तो यहाँ टाइम लैप्स प्रो, पेनोरामा, स्लो मोशन, QR कोड और 50 मेगापिक्सल कैमरा। यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है रियर कैमरा से फुल एच डी प्लस पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 720 पिक्सल पे, और फ्रंट पर ये स्मार्टफोन 720 पिक्सल पे रिकॉर्डिंग कर सकता है 30 फ्रेम पर सेकंड पे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, जो 50 मेगापिक्सल की जो कैमरा क्वालिटी है इसके मैं आपको कुछ सैंपल दिखाना चाहता हूं। और आप देख सकते कि जो कुछ सैंपल है वो आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले आप इस स्मार्टफोन की जो कैमरा सैंपल है वो मुलाहिजा फरमाइए और उसके बाद मैं इसके बारे में अपना जो ओपिनियन है वो पेश करता हूं। आपके सामने ये फोटो मौजूद है और आप देख सकते एक नॉर्मल किस्म का फोटो आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आउटडोर में लिया गया है जो कि बिल्कुल नेचुरल लाइट में है, आउटडोर फुल लाइट में लिया गया है। और इसकी अगर डिटेल की बात करूँ तो डिटेल काफ़ी मिसिंग नज़र आ रही है और इसी वजह से फ़ोटो जो है वो थोड़ी सी पिक्सेलेटेड नज़र आ रही है। जो कलर्स है, कलर्स की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी बहुत यहाँ पर सेचुरेटेड कलर आपको नज़र आ रहे हैं। और जो इसके साथ जो रेड और ऊपर जो ब्लू कलर के जो कुछ कलर है इसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेचुरेटेड किया गया है। बाकी जो बैक साइड की अगर मैं बात करूँ उस फोटो की तो आप देख सकते यहाँ पर जो ईंटों का जो रंग है वो भी आपके सामने थोड़ा बहुत सुर्ख हिमायल कर दिया गया है। यहाँ पर अगर मैं दूसरा फोटो आपके सामने लेके आऊँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डिटेल जो है वो बहुत कम नज़र आ रही है। आलू की 50 मेगापिक्सल का कैमरा है लेकिन अगर फेस पर आप नज़र दौड़ाएँ तो फेस की जो डिटेल है वो तो बिल्कुल पिक्सेलेटेड कर देते हैं, ना होने के बराबर है। लेकिन बाकी जो चीज़ हैं जो आपके सामने जो कलर्स है उसको सेचुरेटेड किया गया है और रियलमी की पहचान है। इस स्मार्टफोन में भी ओवरऑल अगर मैं देखूं तो डिटेल तो मिसिंग है लेकिन बाकी सेचुरेशन है और ये सेचुरेशन लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर चेहरों को स्मूथ भी बना देते हैं। तो यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो थोड़ा सा डिटेल के मामले में काफ़ी मिसिंग नज़र आ रहा है। आलू के सेचुरेटेड कलर थोड़ा सा खूबसूरत नज़र आ रहा है लेकिन डिटेल बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन के पोर्ट्रेट कैमरा की तो यहाँ पर कुछ सैंपल आपके सामने मौजूद है और आप देख सकते कि जो पोर्ट्रेट कैमरा है वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल ज़रूर कर रहा है। अब आप देखिए कि इस फोटो में जो पाँव है वो बिल्कुल ब्लर कर दिया गया, ऊपर जो बाल वगैरह है थोड़ा सा यहाँ पर इरेगुलर है और पोर्ट्रेट के मामले में थोड़ा बहुत स्ट्रगल ये ज़रूर कर रहा है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट साइड का जो कान के ऊपर ये रहे ये बिल्कुल यहाँ पर ब्लर कर दिया गया है। तो पोर्ट्रेट में ये जो स्मार्टफोन है अभी भी स्ट्रगल ज़रूर कर रहा है। लिहाजा जो मेन कैमरा है पोर्ट्रेट के हवाले से तो इतना ज़्यादा शानदार नहीं है, एक डिसेंट गुजारे लायक पोर्ट्रेट जो पिक्चर वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन यकीन माने 40,000 के हिसाब से जो मेन कैमरा की क्वालिटी है और जो पोर्ट्रेट की क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा शहनशान है और जस्टिफाई नहीं करती 40,000 रुपये की प्राइस में। अब बात है स्मार्टफोन के नाइट फोटोग्राफी के बारे में या जो लो लाइट की जो फोटोग्राफी है वो आपके सामने है। और ये मैंने एक दो पिक्चर खींच की है जहाँ पर आप देख सकते कि डिटेल जो है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है आपके सामने है। इनडोर विजिबिलिटी में डिटेल जो बहुत कम है। आलू की जो कलर है वो डिसेंट है, सेचुरेटेड कलर हमेशा प्रोवाइड कर रहे हैं रियलमी का। लेकिन ओवरऑल जो इंडोर लाइट की में जो क्वालिटी है ये स्मार्टफोन उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर। इस सैंपल को आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि जहाँ पर आप देख सकें डिटेल तो बिल्कुल ना होने के बराबर है लेकिन हाँ जो चेहरा है वो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। और ये मैंने नाइट फोटो से ली है लेकिन यहाँ पर अगर इस फोटो की बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा जो है वो लाइट जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर कैप्चर किया गया तो थोड़ा इंस्टेबल कैमरा नज़र आ रहा है। ये चीज़ मुझे पसंद हमेशा नहीं आती। अगर आप इस फोटो को देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाइट वगैरह है उसको काफ़ी ज़्यादा बेहतर कैप्चर किया गया है लेकिन जो चेहरे के जो खद वाल है वहाँ पर जो डिटेल है वो मुझे थोड़ी मिस नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी इसने थोड़ा इस बार जो है वो बेहतर फ़ोटो लिया है नाइट मोड में,
तो यहाँ पर हमेशा से थोड़ा बहुत स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल मैं नाइट के बारे से अगर कहूँ तो नाइट मोड में ये थोड़ा बेहतर है, इम्प्रूव है। अब आते हैं स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा सेल्फी कैमरा से, जहाँ पर ये स्मार्टफोन 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ये सैंपल आप देख सकते कि स्मार्टफोन का जो सेल्फी कैमरा है अगेंस्ट द लाइट आप देख सकते कि यहाँ पर गुजारे लाइक काम किया गया है, HDR इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है, लाइट को कंट्रोल नहीं किया गया, थोड़ा बहुत किया है, कोशिश की है लेकिन ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रोवाइड नहीं हुई है। बाकी इंडोर की बात हूँ तो इंडोर में ये स्मार्टफोन तो बिल्कुल सेल्फी कैमरा वाइज तो डिटेल बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इस पिक्चर की अगर आप बात करें तो यहाँ पर डिटेल ना होने के बराबर है, और यहाँ पर ये जो पिक्चर है इसमें भी आप देख सकते कि जो कलर है वो काफ़ी डल नज़र आ रहे हैं, येलोविश की तरफ या वार्म टोन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो वार्म टोन बिल्कुल भी आप सबको पता है कोई भी पसंद नहीं करता। यही पर अगर मैं बात करूँ सेल्फी कैमरा की पोर्ट्रेट शॉट की तो ये भी आपके सामने है। आउटडोर विजिबिलिटी में मैंने जो कुछ पिक्चर खींचे हैं वो भी आपके सामने है। यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट इसने बेहतर कैप्चर किए हैं, मुझे सेल्फी का जो पोर्ट्रेट शॉट है वो बेहतर लग रहा है। आई डोंट नो कि करीब होते इस वजह से या फिर कोई और वजह, लेकिन स्टिल ये भी यहाँ पर इनकन्सिस्टेंट है। यहाँ पर ऊपर आप बाल देख सकते कि काफ़ी यहाँ पर थोड़े से इसने स्ट्रगल ज़रूर किया है, तो सम टाइम ये स्ट्रगल ज़रूर करता है। और अगेंस्ट द लाइट में पोर्ट्रेट शॉट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लाइट काफ़ी ज़्यादा आपके चेहरे पर पड़ जाती है, पीछे से आकर चेहरे पर पड़ जाती है, तो इस वजह से भी यहाँ पर ज़्यादा मज़ेदार किस्म का यहाँ पर लुक जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है। सेल्फी कैमरा में के हवाले से अगर मैं देखूँ तो अभी के लिए इतना ज़्यादा शानदार यहाँ पर जो पोर्ट्रेट शॉट है अगेंस्ट द लाइट में इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अब बात करते हैं रियलमी C53 स्मार्टफोन की वीडियोग्राफी के बारे में। रियर कैमरा से ये स्मार्टफोन फुल HD प्लस 30 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और कुछ सैंपल आपके सामने मौजूद है, आप यहाँ पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। रियलमी C53 के रियर कैमरा से जो कि फुल HD प्लस पे रिकॉर्डिंग कर सकता है 30 फ्रेम पर सेकंड पे, और 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो सेंसर है वो दिया है। तो यहाँ पर जो क्वालिटी है वो आपके सामने या आउटडोर लाइट में है, बिल्कुल रोशनी के फ्रंट पर है, सामने है, तो उसी क्वालिटी का आप अंदाज़ा जज कर सकते हैं। और अगर मैं अगेंस्ट द लाइट जाऊँ तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जो क्वालिटी वो कैसी है, फ़िलहाल मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन आप डेफिनेटली देख सकते हैं। और ये जो सैंपल है आउटडोर विजिबिलिटी में जो सैंपल आप देख सकते कि इसकी जो क्वालिटी है वो आपके सामने, और क्वालिटी की अगर मैं बात हूँ तो मुझे जो आउटडोर विजिबिलिटी में जो ये जो वीडियोग्राफी है ये डिसेंट लगी है, बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है, डिटेल भी मुझे ठीक लग रहे हैं जब ये लाइट के सामने होती है, लेकिन जब ये अगेंस्ट द लाइट जाती है तब ये जो कैमरा है ये स्ट्रगल ज़रूर करता है, जो लाइट है उसको ज़्यादा आराम से इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये इसका सबसे बड़ा मसला है कि लाइट कंट्रोल करना इस स्मार्टफोन को बिल्कुल भी नहीं आता, चाहे मैं बात करूँ वैसे फोटोग्राफी में भी, पोर्ट्रेट शॉट में या फिर वीडियोग्राफी की बात करूँ तो लाइट के हवाले से ये स्ट्रगल ज़रूर करता है। यही पर अगर मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन की इंडोर वीडियोग्राफी के बारे में, जहाँ पर आप ये सैंपल मुलाहिजा फरमा सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है रियर कैमरा से जो कि 50 मेगापिक्सल का है, जो कि फुल HD प्लस पे रिकॉर्ड हो रहा है 30 फ्रेम पर सेकंड पे। ये जो है इंडोर लाइट में शूट हो रही है आर्टिफिशियल लाइट के साथ, थोड़ी बहुत बाहर की रोशनी आ रही है और बल्ब की रोशनी भी है तो उसमें रिकॉर्ड हो रही है, और फिलहाल मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इसकी जो क्वालिटी वो कैसी है। और इस सैंपल में आप देख सकते कि ये जो वीडियोग्राफी है यहाँ पर डिटेल जो इस अभी मिसिंग नज़र आ रहे हैं, लेकिन कलर्स की बात हो तो ये सैचुरेटेड कलर प्रोवाइड कर रहा है, थोड़ा सा पिंक स्टोन की तरफ जाता है, और अगर अगेंस्ट लाइट की बात करूँ तब यहाँ पर जो डिटेल है वो गुम हो जाते हैं, और लाइट हमेशा से ये लाइट को कंट्रोल करना इसके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। और डिटेल की बात करूँ तो रियर कैमरा का जो डिटेल है जब आउटडोर में होता हो, फ्रंट जब लाइट आपके सामने होती तब तो डिटेल बेहतर होता है, लेकिन अगेंस्ट द लाइट में ये कंट्रोल नहीं कर पाता लाइट को, और इंडोर में भी जो डिटेल है वो मिस हो जाती है, और स्पेशली जब ये अगेंस्ट द लाइट आप वीडियोग्राफी करते हो। तो कैमराज के हवाले से वीडियोग्राफी जो है वो अभी इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं है, आलो कि ये मैंने अभी हालांकि बहुत करीब से वीडियोग्राफी की है तो डिटेल भी यहाँ पर काफ़ी मिस होगी जब आप ओवरऑल वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जामिया रिकॉर्डिंग करेंगे ज़्यादा लोगों की या किसी ख़ास स्पेसिफिक एरिया की, तब आप डिटेल उस तरह नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं स्मार्टफोन की फ्रंट कैमरा की वीडियोग्राफी की, जहाँ पर ये स्मार्टफोन 720 पिक्सल पे रिकॉर्डिंग कर सकते 30 फ्रेम पर सेकंड पे, और आउटडोर लाइट में जहाँ पर मैंने कुछ सैंपल रिकॉर्ड किया आप देख सकते यहाँ पर जो डिटेल है वो अभी भी मिसिंग नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो कलर्स है वो डिसेंट सैचुरेटेड कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पिंक जो टोन है वो आप देख सकते पिंक को ज़्यादा पिंक कर देता है, लेकिन बाकी जो ब्लैक कलर है या फिर जो वाइट कलर है वो अपनी नेचुरल हालत में मौजूद होता है।
यहाँ पर जो बाल है आप देख सकते, बालों की जो डिटेल है वो तो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई, दाढ़ी की जो डिटेल है उसको पिक्सेलेटेड कर दिया गया है। यही पर अगर मैं बात करूँ इस मॉडल के फ्रंट की इंडोर लाइट में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते डिटेल तो यहाँ पर बिल्कुल ना होने के बराबर है, डिटेल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, मिसिंग है। और माइक की क्वालिटी आपके सामने, माइक की क्वालिटी मुझे पसंद आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो डिटेल है वो हमेशा से मिस हो जाते हैं, और पिंक स्टोन या सेचुरेटेड कलर ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर लाइट कंट्रोल करना इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करता है हमेशा की तरह। ये जो स्मार्टफोन है स्लोमो भी आता है और इसमें टाइम लेस भी आता है। अगर स्लोमो की बात हो तो स्मार्टफोन 720 पिक्सल 120 एफपीएस पे स्लोमो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और जो स्लोमो है वो आप देख सकते स्लोमो जो है वो डिसेंट है, लेकिन यहाँ पर डिटेल का बिल्कुल सत्यानाश हो चुका है, डिटेल बिल्कुल ज़ीरो है, और जो क्वालिटी वो बिल्कुल पिक्सेलेटेड हो चुकी है। तो स्लो मोशन में भी स्ट्रगल ये काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। ये सैंपल आपके सामने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि स्लोमो के लिए तो ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं बना है, और ये इंडोर लाइट में भी इस जो है वो स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं। इस इंडोर लाइट में तो स्ट्रगल बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, बस थोड़ी बहुत जो चेहरा वगैरह होते हैं, जो हाथ होते हैं वो नज़र आते हैं, बाकी जो कपड़ों वगैरह की जो डिटेल है उसका तो सत्यानाश कर जाता है। देखो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा है वो जो है मेन कैमरा ओवरऑल ठीक है, लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी है, जो डिटेल है वो काफ़ी मिसिंग पाई जाती है। आलू के ब्यूटी मोड बेताशा मौजूद होते हैं जो कि रियलमी के और ओप्पो के स्मार्ट में काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन बाकी यहाँ पर डिटेल की बात करूँ तो डिटेल मिसिंग होते हैं। अगेंस्ट द लाइट ही काफ़ी स्ट्रगल करता है, लाइट को कंट्रोल करना इसके लिए काफ़ी मुश्किल है। नाइट फोटोग्राफी काफ़ी इनकंसिस्टेंट है, कभी कभार बेहतर पिक्चर प्रोवाइड करता है, कभी कभार कमज़ोर हो जाता है, तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। स्लो मोशन में तो क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है। स्लोमो का क्वालिटी तो इंतहाई फजूल किस्म की है, 120 एफपीएस जो है वो स्लोमो तो ठीक कर लेगा, लेकिन क्वालिटी ज़ीरो, 720 पिक्सल है। जबकि फ्रंट पर भी यही जरूरत है, पोर्ट्रेट शॉट में भी ये स्ट्रगल कर रहा है, कभी कभार ठीक आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये जो पोर्ट्रेट शॉट है ये कन्फ्यूज़ कर देता है, आपके बाल वगैरह आपके पाँव वगैरह को ब्लर कर देता है। तो कैमरा के हवाले से तो ये स्मार्टफोन आपको बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ये स्मार्टफोन 40,000 में तो क्या 30,000 में इसको कंसिडर कर सकता था, लेकिन 40,000 या 5,000 में तो ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, हमारी मेहनत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।